वो मतलब कि डकैती करने का ये सब काम होने लगा, जिसके कारण क्या होता है कि शहर में भी अब लूटपाट मच जाती है। ठीक, अब नया व्यवस्था देख लेते हैं। ठीक है, न्याय व्यवस्था मुगल में क्या कहते हैं हम लोग, जो पहले ही देख चुके थे, जो न्याय व्यवस्था एक अच्छी न्याय व्यवस्था था। जैसे कि यहाँ पे जो जागीर के समय जो फतेह आलमगीरी जो थे, मतलब कि उसमें उसमें वो प्रसिद्ध हुआ करते थे। फिर औरंगजेब के अलग मुस्लिम लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना चाहा, ये सब न्याय व्यवस्था के अलग अलग कानून होते हैं। फिर और अकबर अपना अपना लॉ का इम्प्लीमेंट करवाना चाहा, फिर ये सब अलग अलग लॉ, फिर क्या लॉ यहाँ पर चेंज होते हैं। यहाँ अकबर का लॉ कुछ और था, जहांगीर का लॉ कुछ और था, औरंगजेब का लॉ कुछ और था, ये सब चेंज हो गया। लेकिन क्या यहाँ पर देखते मुख्य अधिकारी के नाम को देख लेते क्या, जैसे करण जो मोहम्मद साहब के सुना करते थे, हकीम जो मतलब कि सभी बातों को सुना करते थे, निकाल निकालते जो मतलब कि आउटकम निकालते थे, जैसे इजाम जो क्या विभिन्न क्षेत्र के मतलब कि विद्वान हुआ करते थे। फिर एक हुआ जो मिले जुले मतलब कि अधिकारी मिले जुले न्याय व्यवस्था को देखा करते थे, ये हो गया। इसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, क्या अब इस देश को क्या हुआ, देश में बहुत सारे चोरी चोरी उड़ी बढ़ने लगी थी, हम लोग देखते थे। फिर क्या हुआ यहाँ पे जो न्याय व्यवस्था पहले तो बड़ी बहुत बढ़िया थी, लेकिन क्या हुआ जैसे जैसे मुगल राजा लोग कमजोर होते क्या, यहाँ पर चोरी उड़ी चलने लगी। ठीक है, यहाँ पे जो क्या था दीवान 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 लोग थे वो भी क्या किए, अब यहाँ पे करप्ट हो चुके थे वो लोग भी, अब यहाँ पे कुछ ज्यादा मोनोपोली करने लगे, जिसके कारण हिंदू पक्ष और दूसरा मुस्लिम पक्ष का न्याय व्यवस्था में भी बहुत बदलाव होता है। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष में भेदभाव किया जाता था, दोनों का न्याय व्यवस्था अलग था। ठीक, उसके बाद यहाँ पे फौजीदार का मुकदमा पे मुस्लिम कानून लगाया जाता था। उसके बाद अब यहाँ पे दोनों डिफरेंट हुआ, अब काजी उल कुलजान जो प्रधान काजी थे, जो न्यायाधीश थे मतलब अभी के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। ठीक है, ये प्रांत में ये जो इनका जो पूरा टेरिटरी बाउंड्री था, तो पूरे होल सिस्टम हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद काजी हिंदू और मुस्लिम दोनों के दीवान और फौजदारी मुकदमा के को फैसला करता था, मतलब वो हिंदू को भी न्याय देते थे, मुस्लिम को भी न्याय देते थे, दोनों कानून उनको मानते थे, हिंदू लॉ भी था मुस्लिम लॉ दोनों को मालूम था। उसके बाद वो न्याय देते थे, वो ईमानदार हुआ करते थे, तभी वो ये ठीक है। ये तो हो गया, ये जो सेंट्रल जुडिशियल सिस्टम हो गया। उसके बाद न्याय और नगर प्रांतों के लिए अलग अलग न्यायालय हुआ करता था, जो बादशाह स्वयं देखता था, मतलब कि जो मतलब कि होता था कि उसके भी जस्टिस होते थे, लेकिन क्या होते थे वो न्यायाधीश होते थे, लेकिन वो अलग अलग जगह पे जैसे कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग न्यायाधीश होते थे, वो देखते थे। न्यायाधीश क्या करते थे, जो सजा सुनाती थी सजा सुनाते, जैसे कि पैसा जुर्माना देते थे, फांसी देते थे, ये सब दिया करते थे। ये नादिक जैसे केस आया वैसे वो करते थे कि ठीक है, कैदियों को किला के अंदर बंद रखा जाता था, मतलब उस समय भी जेल हुआ करता था जो रखता था। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको ये अधिकारी का सूची दिए हुए है, उस पर आप आराम से देख सकते हैं कि जैसे कि प्रांत मतलब सुबह सुबह में शिवसला जो मुख्य कार्यकारी होते थे, उसके बाद दीवान होते थे, दीवान क्या जो राजस्व प्रभारी होते थे, बस्ती जो सैन्य प्रभारी होते थे, फिर उसके बाद जिला जिला सरकार में क्या होता है फौजीदार जो पास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रधान हुआ करते थे, फिर आलम या जो राजस्व के होते थे, कोतवाल जो कानून व्यवस्था को देखा रख रखाव करता है, उसके बाद जिला के नीचे परगना था जो सिकादार जो हमारे जिला एडमिनिस्ट्रेशन के मुख्य हुआ करते थे, वो फौजीदार या कोतवाल के कर्तव्य मिलता जुलता रहता था। फिर अमीर कानून जो राजस्व कानून को जो राजस्व अधिकारी होता था, फिर गांव में हमारा जो हो गया जो मुखिया, अभी का जो उस समय का क्या होता था मुखदम उसका पटवारी मंत्री होता, उसके बाद नीचे चौकीदार होता था। ये लगभग हमारा मुगल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। ये जो नोट्स है वो हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको ये नोट्स, और उसके बाद अगर अगर कोई कमेंट हो या सजेशन हो तो हमको बता सकते हैं। जय हिंद।